पल्लवी पटेल के साथ नजर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सिराथू से हराने वाली पल्लवी से क्या डिप्टी सीएम ने कर लिया समझौता? सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने खुद तस्वीर साझा की तो मच गया हंगामा। सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है जो काफी चर्चाओं में बनी हुई है। ये तस्वीर कौशाम्बी के सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है। राजनीतिक गलियारों में इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का तीसरा दिन रहा। कार्यवाही के पहले सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें आगे पल्लवी पटेल चल रही हैं, उनके पीछे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चल रहे हैं। इस तस्वीर का कैप्शन पल्लवी पटेल ने लिखा, सत्र का तीसरा दिन। अब इस तस्वीर के सियासी गलियारे में कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू से सपा ने पल्लवी पटेल को साइकिल सिंबल पर चुनाव लड़ाया था, जबकि पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी के सिंबल पर लड़ना चाहती थी, लेकिन सपा से गठबंधन होने पर साइकिल चुनाव चिन्ह से ही उन्होंने चुनाव लड़ा। पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 वोटों से हराया था। केशव प्रसाद मौर्य की हार के कारण काफी हंगामा हुआ था। कुछ समय के लिए मतगणना भी रोकी गई थी, जिसके बाद से कई बार सदन में और सदन के बाहर भी पल्लवी पटेल केशव मौर्य पर खुलकर हमले बोलती रही हैं। इस खबर में इतना ही। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। अन्य खबरों के लिए द पब्लिक एक्सप्रेस.com पर